मेरा नाम कंचन मित्तल है। मैं बहुत सालों से, बचपन से ही लगा लो, परमेश्वर की, एक ऐसे परमेश्वर की खोज कर रही थी जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता हो। हम बनिया फैमिली से हैं, इसलिए वहाँ पे पूजा पाठ बहुत ज़्यादा होता है। मेरी मम्मी बचपन में ही तीन तीन चार चार व्रत रखने उन्होंने, और बहुत ही पूजा पाठ, तीज त्यौहार। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि हमारी फैमिली में ही तीज त्यौहार मनाए जाते हैं। मैं बचपन में एक माला जपती थी, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्छे, इस एक ही मंत्र था जो मैं बचपन से 5 साल की उम्र से जप रही थी। लेकिन कभी भी मुझे एहसास नहीं हुआ परमेश्वर से मिलने का। मैं जब बहुत छोटी थी, मैं अकेले जाके आसमान की ओर देखकर मैं परमेश्वर से बातें करती थी, लेकिन उस परमेश्वर को मैं जानती नहीं थी। धीरे धीरे हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। मेरे पापा का स्पेयर पार्ट की शॉप थी, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में बाजपुर नाम की जगह है, वहाँ पे मंडी गेट के पास पापा की शॉप थी। तो मेरे पापा भी बहुत अच्छे थे, लेकिन उनको भी एक तरह से कुछ प्रॉब्लम से फंस गए, उनके ऊपर कई केस चले। थोड़े समय बाद मेरी मम्मी को कैंसर हो गया, तो मैं और ज़्यादा, जब मम्मी को कैंसर हुआ तो और ज़्यादा मेरे को हुआ कि मैं उस परमेश्वर की खोज करूँ जिससे मेरी मम्मी ठीक हो जाए। तो मैंने और ज़्यादा पूजा पाठ करना शुरू किया, मंदिर जाना शुरू किया, जहाँ भी जो कहता था जाते थे। लेकिन मेरी मम्मी कहीं ठीक नहीं हुई। उनका ऑपरेशन हमने रजिंद्रा हॉस्पिटल पटियाला से करवाया, और ऑपरेशन के बाद उनको ब्रेस्ट कैंसर था। लेकिन वो एक बार ठीक हो गए थे, फिर एक साल बाद फिर उनका दोबारा से उनको कैंसर हुआ, और उस दौरान दुष्ट आत्माओं का भी बहुत ज़्यादा हमारे घर में अटैक हुआ। मेरी सिस्टर थी, उसके ऊपर, उसका नाम बेनू गोयल था, और वो काफ़ी उसके ऊपर दुष्ट आत्माओं के अटैक हुए। वो और उसको अपने हाथ जला लेती थी। उसने जब मेरी मम्मी की डेथ हुई तो हमारे घर में गरुड़ पुराण नाम का एक पाठ बैठा था, वो रात को उसको पढ़ती रहती थी, और पढ़ पढ़ के उसका इतना वो पागल हो गई, और उसने उसको ये देवी देवताओं के बारे में क्या क्या चीज़ें उसको दिखना शुरू हो गई। और सचमुच उसके ऊपर इतने ज़्यादा अटैक हुए कि वो मेंटली बिल्कुल ही पागल हो गई। और उसके बाद हम उसको पंजाब में एक जगह है बाबा बड़भाग सिंह, वहाँ पे हम लेके गए उसको, लेकिन वहाँ भी वो ठीक नहीं हुई। एक साल पापा का स्पेयर पार्ट की शॉप थी, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में बाजपुर नाम की जगह है, वहाँ पे मंडी गेट के पास पापा की शॉप थी। थोड़े समय बाद मेरी मम्मी को कैंसर हो गया, तो मैं और ज़्यादा, जब मम्मी को कैंसर हुआ तो और ज़्यादा मेरे को हुआ कि मैं उस परमेश्वर की खोज करूँ जिससे मेरी मम्मी ठीक हो जाए। तो मैंने और ज़्यादा पूजा पाठ करना शुरू किया, मंदिर जाना शुरू किया, जहाँ भी जो कहता था जाते थे। लेकिन मेरी मम्मी कहीं ठीक नहीं हुई। मेरी सिस्टर थी, उसके ऊपर, उसका नाम बेनू गोयल था, और वो काफ़ी उसके ऊपर दुष्ट आत्माओं के अटैक हुए। वो और उसको अपने हाथ जला लेती थी। उसने जब मेरी मम्मी की डेथ हुई तो हमारे घर में गरुड़ पुराण नाम का एक पाठ बैठा था, वो रात को उसको पढ़ती रहती थी, और पढ़ पढ़ के उसका इतना वो पागल हो गई, और उसने उसको ये देवी देवताओं के बारे में क्या क्या चीज़ें उसको दिखना शुरू हो गई। और सचमुच उसके ऊपर इतने ज़्यादा अटैक हुए कि वो मेंटली बिल्कुल ही पागल हो गई। और उसके बाद हम उसको पंजाब में एक जगह है बाबा बड़भाग सिंह, वहाँ पे हम लेके गए उसको, लेकिन वहाँ भी वो ठीक नहीं हुई। एक साल के बाद उसकी भी डेथ हो गई। हमारे घर में एक साल में 2 डेथ हो गई, मेरे मम्मी की और उसके बाद मेरी सिस्टर की। तो मेरा विश्वास और ज़्यादा ऐसे हुआ कि कोई ईश्वर नहीं है। मेरी मम्मी जो इतना पूजा पाठ करते थे, मतलब कभी केले के पेड़ के नीचे पूजा करते थे, कभी कुछ करते थे, इतना करने के बाद भी कोई ईश्वर नहीं आया उनको बचाने के लिए। तो मेरे को लगा कि कोई ऐसा ईश्वर होना चाहिए जो हमें बचाए। तो मेरी और खोज बढ़ गई परमेश्वर को पाने की, मैंने और ढूंढना शुरू करा। मैंने कहा मैं उस परमेश्वर को ढूंढ के रहूँगी जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी बीमारियों को हमसे दूर करता है, कि हर एक दुख से हमें छुटकारा देता है। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी शादी कर दी गई, क्योंकि मेरे पापा के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं रहा उस समय, और हमारे जो अग्रवाल फैमिलीज़ में है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दहेज पड़ता है, बहुत ज़्यादा दहेज का चलता है,
तो मेरे हस्बैंड की कोई डिमांड नहीं थी, इसीलिए मेरी बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई। और जब मेरी शादी हुई तो मुझे लगा कि चलो अब कुछ खुशी मिलेगी, कुछ शांति आएगी जीवन में। लेकिन उसके बाद फिर मेरे पता लगा कि मेरे हस्बैंड को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, और उसके साथ साथ माइग्रेन के साथ इनको हर साल टाइफाइड होता था। मेरी 3 मार्च को मेरी शादी हुई और 28 मार्च को ये CMC में दाखिल थे लुधियाना में। मुझे फिर इतना दुख हुआ कि परमेश्वर सारे दुख मेरे ही जीवन में लिखे हैं। हम लोग 4 सिस्टर थी और हमारे कोई ब्रदर नहीं था, तो एक सिस्टर की डेथ हो गई, मम्मी की डेथ हो गई। जीवन में इतना दुख, चारों तरफ ऐसे लगता था कि एक दुखों के हम सागर में डूब चुके हैं। और जब हस्बैंड की बीमारी आई तो और ज़्यादा मैं टूट गई बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा कोई ईश्वर नहीं है, और ज़्यादा मेरी जो अंदर की पुकार थी उस ईश्वर के लिए बढ़ गई। उस दौरान मेरे पापा जो राधा स्वामी थे, 35 साल से वो नाम जाप करते थे, बहुत पूजा पाठ, रामायण गीता सब कुछ पढ़ते थे। उनके पैरों में एक तरह की गांठें थी जो डॉक्टर कहते थे उसका ऑपरेशन होगा। तो मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन मेरे पापा के पास के पड़ोस में कोई एक पास्टर आए, और हम नहीं जानते थे पास्टर नाम होता भी क्या है, पास्टर होते कौन है, हमें नहीं पता था। तो पापा को वहाँ पे उन पास्टर ने पूछा कि क्या आपको शांति चाहिए। तो मेरे पापा ने बोला मुझे शांति ही चाहिए, क्योंकि मेरा उस समय पापा का कोई उम्मीद नहीं थी कि वो 1-2 साल भी जिंदा रहेंगे, क्योंकि वो इतने कमज़ोर दुबले हो गए थे कि उनकी कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने बोला कि हाँ मुझे शांति चाहिए, तो उन पास्टर ने पापा के लिए प्रार्थना करी, और जब प्रार्थना करी तो मेरे पापा को जो एकदम कुबड़े थे वो सीधे हो गए, और सीधे हो गए उनके पैरों की गांठें भी एक ही प्रार्थना में चली गईं। और जब वो ठीक हुए तो मेरे पापा प्रभु में आए। फिर मेरी सिस्टर जो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की थी, वो अकेली रह गई थी पापा के पास। तो जब उसने एक दिन बाइबल खोली, तो जब वो बाइबल खोली तो उसके फर्स्ट पेज पे लिखा था कि इसमें एक गुप्त खजाना है, जो कोई इसको ढूंढेगा तो उसे मिलेगा। तो उसने सोचा मैं देखती हूँ इसके अंदर कौन सा गुप्त खजाना है। जब उसने बाइबल पढ़ना शुरू किया तो उसको बहुत अच्छा लगा, और वो बाइबल पढ़ती रही। बाइबल पढ़ते पढ़ते एक दिन उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया, और वो आत्मा से भर गई। उसने परमेश्वर को महसूस किया अपने जीवन में। उस दौरान मुझे किसी ने बोला कि तेरे पापा मुसलमान बन गए हैं, कि मैं दूर रहती थी थोड़ा, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि उस समय मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक थी। मेरे घर में 3 रूम थे, जिसमें एक रूम मैंने पूरा मंदिर को दिया हुआ था। घंटों घंटों बैठ कर देवी की उपासना करती थी, क्योंकि मैं भगवानों को बोलती थी कि कोई तो एक ऐसी शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है। तो उस शक्ति को, जैसे हमारे हिंदुओं में दुर्गा माता मानते हैं, इस तरह उस शक्ति को मैं सोचती थी, यही शक्ति है और ये शक्ति मुझे दर्शन देगी और मैं इसको पा के रखूँगी। तो मैंने अपने घर में एक मंदिर बनाया, और वहाँ पे दिन रात जो चलती थी, मैं घंटों घंटों बैठ के वहाँ पे प्रार्थना करती थी। पूजा पाठ से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैंने सोचा मैं ग्रंथ पढ़ती हूँ, ग्रंथों में ज़रूर मुझे वो रास्ता मिलेगा जो परमेश्वर तक पहुँचता है। तो मैंने अपने घर में रामायण, गीता, शिव पुराण, भागवत, मतलब हर तरह से सारे ग्रंथों को, महंगे महंगे ग्रंथ गोरखपुर से मैं मंगवाती थी, और मैंने पढ़ने शुरू किए। लेकिन उन ग्रंथों को पढ़ती थी, लेकिन पढ़ती थी, सिर्फ पढ़ती थी। मैंने रामायण 3-4 बार पूरी करी, लेकिन मुझे कुछ उसमें से ढूंढती थी लेकिन मिलता नहीं था कुछ, ऐसा महसूस नहीं होता था कि कोई रास्ता है। उसमें सिर्फ कुछ कहानियाँ सी लगती थी वो। लेकिन धीरे धीरे मेरा मन और दुखी होता कि मेरे हस्बैंड की बीमारी भी बढ़ती गई, उनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको ही, कभी जॉइंटिस हो जाता था, हर साल अप्रैल मार्च में वो बीमार हो जाते थे। जब मुझे पता लगा कि मेरी सिस्टर और कहीं जाने लगे, पंजाब में क्रिश्चियंस को कोई नहीं जानता, तो लोग बोलते कि मुसलमान बन गए। तो मैंने उनसे बोला, मेरी सिस्टर को फ़ोन किया कि मैंने सुना है तुम कहीं जाते हो और तुमने मुसलमान धर्म अपना लिया, ऐसे करके मुझे अजीब सा लगा। मैंने उसको बहुत डांटा, मैंने कहा हमारे देवी देवता कम है जो तू हम उससे बाहर जा रही है। मैंने कहा अगर तेरे को ठीक है, तेरे को एक देवी देवता से तसल्ली नहीं, तो दूसरे को मान, दूसरे नहीं तीसरे को मान, पर उससे बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उस समय मेरे अंदर भी एक धार्मिक घमंड बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी। तो मैं कहती थी वो जो हमारी चीज़ है ही नहीं है, हम सोचते हैं कि क्रिश्चियनिटी तो हमारी है ही नहीं, यीशु मसीह तो अंग्रेज़ों का ही परमेश्वर है, इस तरह के ख्याल हमारे दिमाग में थे। तो मेरी बहन ने कुछ नहीं बोला, वो थोड़ा डर गई, क्योंकि उसने सोचा कि मैं उसको डांटूंगी। तो
तो थोड़े समय बाद मैंने कहा तो मैं जब आऊँगी तुमसे तो मैं तुम्हें अच्छे से बताती हूँ कि तुम लोग किधर चले गए। तो जब मेरे पेरेंट्स के घर गई तो वहाँ पे एक पास्टर, वही उन्हीं के पास्टर, पास्टर अजीत सिंह आए हुए थे। तो जब पास्टर अजीत सिंह आए तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि इन्होंने मेरे पापा को और सिस्टर को किधर चला लगा दिया। पापा से बोला कि पापा मुझे इनसे बात करनी है। तो पापा कहते बेटा ये 3 दिन से सोए नहीं है, कहीं कहीं सेपकाई से आए हैं, आप इनको आज सोने दो, मॉर्निंग हम बात करेंगे। मैंने कहा नहीं, मेरी रात नहीं निकलेगी, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ था। मेरे पापा ने पास्टर जी से पूछा कि मेरी बेटी आपसे बात करना चाहती है। तो पास्टर जी ने बोला कि ठीक है, हम खाना खा के फिर बैठेंगे, हम फिर बात करेंगे। रात के 10 बजे, सर्दियों के दिन थे, हम लोग चारपाइयाँ बिछी हुई थी, तो पास्टर जी इधर बैठे और मैं दूसरे बेड पे बैठ के, तो हमने बात करनी शुरू करी। रात को 10 बजे से हमने बात करनी शुरू की। मेरे जीवन में इतने सारे सवाल थे कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारे जीवन में बुरा क्यों होता है, हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं, और हम इतना धार्मिक होने के बाद भी धार्मिक लोग क्यों मर जाते हैं, क्यों कोई उनको बचाता क्यों नहीं है। मतलब इतने सारे मेरे जीवन में सवाल थे, ईश्वर कौन है, फिर ये भगवान कौन है, देवी देवता कौन है, मतलब इतने सारे सवाल मेरे थे कि मैं उनसे पूछती गई। और सुबह के 4 बज गए, मेरे सवाल ख़त्म हो गए, मेरे इतने सारे सवाल थे और वो सवाल ख़त्म हो गए। और जब सवाल ख़त्म हो गए तो पास्टर जी बोले, उन्होंने पूछा और कोई कुछ पूछना है, तो मैंने कहा नहीं, अब मैं ढूंढ रही थी, ढूंढ ढूंढ के सोची थी कि मैं और कुछ इनसे पूछूं, इनको कहीं ना कहीं फंसा दूं, क्योंकि मुझे अपनी नॉलेज पे भी बड़ा घमंड था, धार्मिक नॉलेज पे। क्या बात थी जिससे मेरा जीवन बदला, मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि 2 चीज़ें थी जिन्होंने मुझे छू लिया। तो वो जो पास्टर थे उनके पेशेंस देख के, तो मैं उनसे बहुत रूढ़ बात कर रही थी, बहुत ही बदतमीजी से बात कर रही थी मैं उनसे, लेकिन वो मुझे बड़े प्यार से जवाब दे रहे थे। तो मैंने सोचा कि हो सकता है इंसान 1 घंटा 1.5 घंटा नाटक कर ले और मतलब बुरा गंदी तरीके से बात करने का जवाब अच्छे से दे दे, पर कोई 10 बजे से लेकर 4 बजे तक किसी को झेल नहीं सकता। और दूसरी बात थी कि मैं जो भी पूछती थी उन्होंने अपने मन से उत्तर नहीं दिया, वो उनके पास एक किताब थी जिसमें से वो मुझे उत्तर देते थे। तो मेरे को बहुत ही हैरानी हुई कि मेरे बचपन से जो इतने सवाल हैं उनका जवाब एक किताब में कैसे हो सकता है, सवाल मेरे जवाब एक किताब में ऐसे कैसे हो सकता है। मुझे पता लगा उस किताब का नाम बाइबल था। तो सुबह 4 बजे मैंने उन पास्टर से बोला कि अगर यही परमेश्वर है तो मैं इनके पीछे चलना चाहूँगी। पास्टर ने मुझे एक बात बोली, बोले कांटों भरी राह है, चल पाओगे? तो मैंने कहा पास्टर अगर ये परमेश्वर है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं इस परमेश्वर को पाके ही हटूँगी, जो कुछ भी आए, आंधी आए, तूफान आए, अगर ये परमेश्वर है तो मैं इसके पीछे चलूँगी। थोड़े समय बाद क्या हुआ कि मेरे को ऐसी लगन लग गई बाइबल पढ़ने की कि दिन रात मैं बाइबल पढ़ती थी, जितना टाइम मैं अपना काम करती थी उसके बाद मैं बाइबल ही पढ़ती रहती थी। थोड़े समय बाद क्या हुआ, मेरे फादर इन लॉ का बहुत सताव शुरू हुआ, तो उन्होंने बोला कि ये तो क्रिश्चियनिटी है, ये तो क्रिश्चियन मनाते हैं, ये तो पैसा देते हैं, पैसा दे के क्रिश्चियन मनाते हैं, और ये इनका तो काम ही है अपने धर्म को फैलाना, ये तो पागल हो गई है, ये बाइबल पढ़ती है। उन्होंने मेरे को बुक्स ला के देनी शुरू करी, जिसमें से मुझे सबका नाम याद नहीं है, लेकिन एक बुक्स का नाम मेरे को याद है, गांधी जी और मसीहत, एक बुक है जो क्राइस्ट के अगेंस्ट बोलती है, उसके विरोध में बोलती है। तो वो किताब उन्होंने मुझे ला के दी, थोड़ा सा उस किताब में पढ़ा 1-2 पेज, तो मेरे को अंदर से इतना गुस्सा आया कि मैंने उस किताब को आग में जला दिया। और उसके बाद मेरे फादर इन लॉ ने काफ़ी बातें बोलनी शुरू करी कि ये बाइबल, ये तो पागल हो गई है। और सचमुच मैं उस समय मसीह के प्रेम में पागल हो चुकी थी। मैं अकेले बैठ के, मुझे होता था कि सब लोग घर से जाएं और मैं अकेले बैठ के प्रार्थना करूं। मैं सच में बोल रही हूँ कि जैसे शराबी को शराब का नशा होता होगा, उससे भी बढ़ के मुझे परमेश्वर का नशा था, और वो नशा अभी तक नहीं उतरा। और उस भी मेरे हस्बैंड का विरोध शुरू हुआ, और वो बहुत विरोध करते थे
अखबारों की कटिंग्स लाके देते थे जिसमें क्रिश्चियंस के विरोध में कुछ लिखा होता था, तरह की बहुत सारी कटिंग अखबारों की लाके वो मुझे पढ़ाते थे, देख क्रिश्चियन ऐसे होते हैं, देख क्रिश्चियन ऐसे होते हैं, तो मतलब मेरी बाइबल छुपा देते थे, बाइबल फाड़ भी देते थे कई बार, कई बार लोगों को बुला लाते थे कि ये इसको पता नहीं क्या हो गया, ये बाइबल पढ़ती है। इस तरह जैसे जैसे मैं प्रभु में बढ़ रही थी, मेरे हस्बैंड बहुत ही गुस्सा उनको आता था, तो वो मेरी सिस्टर को भी मेरे घर आने नहीं देते थे। एक टाइम ऐसा आया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि या तो तू मसीह को चुन ले या आज मुझे चुन ले, और यहाँ तक था कि उन्होंने हाथ उठाना तक भी शुरू किया है। जिस चीज़ के लिए आप बचपन से आप जिस चीज़ को ढूंढ रहे हो और वो चीज़ आपको मिल जाती है, उसके बाद कोई बोले कि छोड़ दो इसको, तो मुझे नहीं लगता कोई उसको छोड़ सकता है। और मैं तो इतनी दीवानी थी परमेश्वर की कि मैं नहीं छोड़ सकती थी प्रभु को, तो मैंने बोला, मैंने कहा मेरे बस में नहीं है, अब मैं प्रभु को नहीं छोड़ सकती। उस समय बहुत हमारी लड़ाई हुई और मैं अपने पेरेंट्स के घर चली गई, और मेरे पेरेंट्स को था कि थोड़ा हफ्ता 10 दिन के लिए आई है लड़ झगड़ के, तो अपने आप वापस चली जाएगी। उस दौरान हम लोग फरीदाबाद में शिफ्ट हो गए। फरीदाबाद में बुआ जी रहते थे, तो मेरे फूफा जी इनकम टैक्स कमिश्नर थे, तो हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। दोनों बच्चे मेरे पास थे और मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे। बहुत संघर्ष था मेरे जीवन में उस समय, सुबह सुबह उठना, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, उसके बाद खुद जॉब पे जाना और फिर वापस आना, उसके बाद भी मिनिस्ट्री करना, लोगों को प्रभु के बारे में बताना। कई बार मैं जब स्कूल से जाती थी तो मेरे पास छतरी होती थी, तो हमें जहाँ पे मैं ऑटो से उतरती थी वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर हमारा हमें पैदल घर जाना पड़ता था। कई बार क्या करती थी कि अपनी छतरी जो मेरे साथ जा रहे होते थे उनको दे देती थी, और मैं सोचती थी कि प्रभु मैं इनको वचन सुना सकूं, और मैं उस दौरान उनको वचन सुनाती थी क्योंकि वो उस छतरी के उसमें मेरे साथ साथ चलते थे, और मैं उनको वचन सुनाना शुरू करती, और इस तरह बहुत सारे लोगों का जीवन वहाँ भी बदला। मेरे हस्बैंड कभी कभी छुप के चर्च में आते फरीदाबाद, देखते कि क्या करते हैं। 1.5 साल बाद हम लोग दोबारा से वो मुझे लेके गए और उन्होंने बोला ठीक है मैं भी मसीह को अपनाऊँगा और हम सब इकट्ठे से रहेंगे। और थोड़े समय बाद फिर से ये बीमार हुए। जब ये बहुत बीमार हो गए तो हम इनको DMC लुधियाना लेके गए और मेरे फादर इन लोग गए वहाँ पर। तो उस दौरान मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने अपने जीवन में इतने सारे मिरेकल देख लिए थे, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स में मैं गई, लोगों को चंगा होते देखा, कैंसर पेशेंट एक जिसको मैं खुद लेके गई थी एक मीटिंग में फरीदाबाद में पंडित राम बाबू की मीटिंग में, वो कैंसर पेशेंट ठीक हुआ था मेरी आंखों के सामने। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड से भी बोला कि आप एक बार प्रभु पे पूरी तरह से अपना जीवन दो, विश्वास करो, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप कभी भी आपको कोई बीमारी छुएगी भी नहीं। तो मेरे हस्बैंड उस समय बहुत वीक हो गए थे, कमज़ोर थे बहुत, तो वो बहुत टूट गए, रोने लगे, और क्योंकि लड़ने की भी ताकत उनके अंदर नहीं रही थी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं विश्वास करता हूँ। उस समय मुझे बहुत अच्छे से प्रार्थना भी नहीं करनी आती थी, जैसी भी प्रार्थना मुझे आती थी मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करती थी। और एक हफ्ते के बाद मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो गए। आज 10 साल हो गए हैं मेरे हस्बैंड को, 10 साल से भी ज़्यादा, जिनको माइग्रेन हर तीसरे दिन माइग्रेन होता था, और हमारा फैमिली डॉक्टर था वो इंजेक्शन लगाता था फिर उनको आराम आता था, दवाई तो असर नहीं करती थी उनके ऊपर बिल्कुल भी। तो आज मेरे हस्बैंड को 10 साल हो गए, कभी सिंपल सर दर्द भी उनका नहीं हुआ, कभी टाइफाइड तो बहुत दूर की बात, कभी नॉर्मल बुखार भी आज तक उनको नहीं हुआ।